फ्लैग भी जम गया देखो। ये किस तरीके से एडवेंचर का एक्सपीरियंस, और ये खुल चुका है पीछे हमारा रूफ टॉप टेंट। जब भी कोई कुछ बोलेगा ना तो इसके ऊपर इनकी गोली पहले शकुंतला शकुंतला बहुत आराम से उतरे नीचे, आराम जो मेल्ट होकर नीचे आ रहा है तो खिसकता भी है कि हमें यहाँ जाना है लेफ्ट। भाई भाई बैटरियाँ डेड होती जा रही हैं, वरना तो यहीं फंसे रह जाएंगे। ये देखो कहाँ, लेकिन पार तो करना ही पड़ेगा ना। ये वाला टायर कहाँ डाल दिया आपने? बीच में खट्टा था ना एक, यहाँ पर हमारी गाड़ी का टायर आया है। रुक जा चल 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 चल, निकल गई। थैंक यू भाई लोग। वहाँ 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 प्रॉब्लम है, वहाँ एक्चुअली क्या है कि कीचड़ है भाई। ये सड़क बना रहे हैं हमारे लिए, जब ये बता अगर ये ना हो ना, ना कोई लद्दाख कर पाएगा, ना कोई झंकार कर पाएगा, ना कोई कहीं कुछ कर पाएगा, ना कार जाएगा ना बाइक जाएगा। ओ माय गॉड, टॉप। और ये लगा दी हमने गाड़ी बिल्कुल शिंकला टॉप के बोर्ड के सामने। अब यहाँ पर चलेगी शूटिंग, और ये हमारे देश का झंडा जमा हुआ है। जमा हुआ है, फ्लैग भी जम गया है देखो। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस टाइम बिल्कुल शिंकला टॉप के बोर्ड के सामने, और सामने लगी हुई हमारी गाड़ी गरीब रथ विद रूफ टॉप टेंट। और अगर वेदर की बात करें तो बिल्कुल भी ठंड यहाँ नहीं लग रही है, हवा हल्की हल्की चल रही है, लेकिन ठंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाइकर आते जा रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ होनी शुरू हो जाएगी। हम अब यहाँ थोड़ा सा अपना फोटोग्राफी का सेशन करेंगे और निकलेंगे आगे पादुम की तरफ। तो ये गाड़ी हमारी लग चुकी है बिल्कुल श्रृंखला टॉप पर। ये झंडा अभी थोड़ा लहराना शुरू हुआ है, अदरवाइज ये भी बिल्कुल फ्रोजन था, जमा हुआ था बिल्कुल। ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, और ये देखो मेरे नीचे ये सारा रिवर जमा हुआ है पूरी। ये या तो ये आर्टिफिशियल झील है या फिर ये रिवर है, लेकिन ये सारा फ्रोजन है इस टाइम, बिल्कुल जम चुका है ये। और जहाँ तक नज़र जा रही है आइस है। किस तरीके से एडवेंचर का एक्सपीरियंस करने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ लगते यूटी लद्दाख में, यहाँ पर जी न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा है, तो आई होप हमारा क्लिप जी न्यूज़ में आएगा श्रृंखला का। और ये खुल चुका है पीछे हमारा रूफ टॉप टेंट श्रृंखला पास पर। ऑलमोस्ट हमें एक घंटा हो गया है, फुल फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ हो चुकी है, कैमरे की बैटरी भी डेड हो गई है। तो बस अब चाय वाय पियेंगे और निकलेंगे पादुम की तरफ। पादुम यहाँ से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को लगता है शाम हो जाएगी वहाँ पहुँचते हैं। तो पीते हैं फटाफट चाय। तो जी यहाँ पे बैठे हैं हम लोग सब और पी रहे हैं लेमन टी मेरी वजह से। अच्छा चलो, इसका लेमन टी है क्या? नींबू इसी ने उगाए हैं यहाँ पे, पहला नींबू उगाया है। पहला एक बात है, बाकी बात सुनो। चला जब भी कोई कुछ बोलेगा ना तो इसके ऊपर इनकी गोली पहले छूट गई। तू सजना रब दे ना बरगा ते आंदे जांदे सा बरगा वे तैनू पौण लई असी वे सजना तैनू पौण लई असी वे सजना कर की नहीं सकदे तेरे बिन मरता सकदे हां तेरे बिन जी नहीं सकदे ते आंदे जांदे सबरगा ਉਹ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲਕਸ ਔਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਅਬ ਨਏ ਵਲੌਗ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਦੰਸਕਾਰ ਵੈਲੀ ਸੇ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸ਼ਿੰਕਲਾ ਟਾਪ ਹਮਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ
श्रृंखला टॉप का हमने कर दिया दियापाचा एक, और हम जा रहे हैं अब जंस्कार वैली की तरफ, देखते हैं किधर को। और यहाँ से पादू में शायद 100 किलोमीटर के आसपास, और रास्ते में कहीं रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे आई डोंट नो, क्योंकि हमें बंजारे टाइप के लोग, टेंट हमारे साथ है, किचन हमारे पास है, कहीं भी रुक जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं जंस्कार वैली। नैनी बड़ाए ना वो बिछड़ने लगिया एक बारी तू, नैनी बड़ाए ना दस दे तेनू हंजू मेरे क्यों चेते आए ना, की होइए तेथों वख सजना, की होइए तेथों वख सजना। तो भैया हम दे रहे हैं ट्रकर को साइड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टाइम पर एक ही व्हीकल से जा सकता है, तो क्योंकि काफ़ी सारे थे तो हम हो गए हैं बिल्कुल साइड में, ताकि भाई लोग निकल जाएं। वख हो नहीं सकदे ए तेरे सकदे हाँ तेरे बिन जी नहीं सकदे। शुरुआत कर दी है जंस्कार राइड की, और शुरू करते हैं, अब एडवेंचर शुरू हो चुका है ऑफ रोड का। तो ये कुछ हाल है देखो सड़क का, और अभी जो यहाँ से बाइकर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप हमें वहाँ मिला था श्रृंखला पास पर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ना दो तीन बड़े बड़े रिवर क्रॉसिंग हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से हमें चलना पड़ेगा। ये देखो यार पूरी सड़क टूटी हुई है, बहुत आराम से उतरे नीचे, आराम बात ठीक 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 चल 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 आराम से आराम से यार, मेरे को लल्ला इधर लल्ला, यहाँ यहाँ चढ़ा दे यहाँ चढ़ा दे, जो जो बहुत बढ़िया है। एक बार ये है हमारा पहला रिवर क्रॉसिंग, और सामने ट्रक हमारी वेट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम पर एक ही बंदा यहाँ से निकल सकता है, और बोलेरो नियो है, एक नंबर गाड़ी भाई साहब एक नंबर। तू सजना रब दे ना वरगा ते आंदे जांदे सबरगा। और लल्ला उसे बड़ा पत्थर है, ठीक है उधर, हाँ बात ही हो गया, ठीक है ठीक है, निकल गए निकल गए, मैंने अपने वाल काट ला काट ले काट ले काट ले काट ले। ग्लेशियर पूरा मेल्ट होकर नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे सड़क बनाना पॉसिबल है। नहीं हमेशा ऐसे ही रहेगा ये, हाँ ये ऐसे ही है, देखो ये पूरा ग्लेशियर है जो मेल्ट होकर नीचे आ रहा है, तो खिसकता भी है, तो अगर सड़क बन भी गई ना तो वो ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं, खराब हो ही जाएगा, हो ही जाएगी। पता नहीं मेरे को लगा मैं सड़क बन रही है कि हमें यहाँ जाना है, लेफ्ट है, माय गॉड। ठीक है थैंक्स टू यू यार, तुम लोग को थैंक यू भाई सर, ए मेरी जान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, भाइयों को थैंक यू। और ये देखो नीचे ट्रक ट्रक चल रही है, सारा पैच हमें पार करना है, और उधर कहीं से फिर हम निकलेंगे पादुम की तरफ। 3 किलोमीटर तो हो ही गए हमें, वो अपना टूरिंग लाइफ जा रहा है नीचे धीरे धीरे, सारी कवर करनी है हमें। और वो वहाँ पर कोई एक थार आ रही है, थार है पर कौन सी गाड़ी है, वो इकलौती गाड़ी जो इधर को आ रही है, बाकी एक दो ट्रक आए हैं सामने से, क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बैटरियाँ डेड होती जा रही हैं, कार्ड भरते जा रहे हैं, क्या शूट करें क्या शूट ना करें कुछ समझ ही नहीं आता। बस आपने सब्सक्राइब करना है आपका काम, वो भी नहीं करते यार, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर के साथ, कमेंट करो क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, तभी भैया हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना तो यहीं फंसे रह जाएंगे। ये देखो कहाँ से आए हम, जहाँ से देखो बर्फ़ मेल्ट हो रही है और नीचे पानी गिरता है, ये स्लो देखो यार पॉटर का भाई साहब, इसको हमें पार करना है, अभी कितना गहरा है टायर कितना अंदर जाएगा हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पार तो करना ही पड़ेगा ना। ग्लेशियर के नीचे से पानी कितना आ रहा है और ये कितना
गहरा होगा पता नहीं, पर यार ओ माय गॉड यार ये तो कुछ अलग ही ले रहे हैं। वो बीच में खड्डा था ना, एक निकल गए बीच खड्डा ही ना। भैया हमें मिल गई बहुत ही क्लासिक सी सीट, बिल्कुल आयरन प्रूफ। और वो ये सीट थी वो साले में वेख ले आएगा पर तू उन चर वाड़ता ओ मेनू देख के आएगा पैर वाड़ गए किन्ना गहरा बच गई अपनी गड्डी। हां फांसी वाली की मैं ध्यान नहीं दिता यार, ये विचों आई है, ये विचों निकली गड्डी। हां इसके इसमें से टायर निकला है हमारा यार। पूरा थले टच हो गया था। यहाँ पर हमारी गाड़ी का टायर आया है और इसे फ्लो देखो, पानी का फ्लो देख रहे हो, यहाँ से घुस रहा है इस पाइप से और उधर निकल रहा है। एक बार ना गाड़ी चेक कर लेते हैं। तो भैया लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि ये ट्रक यहाँ से निकलेंगे तो हमारी गाड़ी निकलेगी। पास होए ये पत्थर गया गया गया। अरे हो ये बना रहे भाई रास्ता। हाँ ये यहाँ ये खट्टा भर दो ये वाला, यहाँ पैर आएगा। हाँ ये भाई लोग लगे रास्ता बनाने में। चलो ही चलो बहुत बढ़िया। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, चल 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 चल। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जा 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 जा। पिछला टायर घूम रहा पिछला। चल 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 निकल गई निकल गई निकल गई। रोको मत। बहुत बढ़िया आ गई है जी टीम। अरे तो उठा के ले आएंगे ऊपर। चल बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई लोगों। वो चढ़ा दीजिए ऊपर, चढ़ा दी चढ़ा दी, नेक्स्ट लेवल चढ़ गए भाई चढ़ गई। ये संस्कार वैली है भाई लोगों, ये भाइयों का यार बहुत बहुत थैंक यू। इन्होंने निकाली गाड़ी हमारी, वहाँ यार वहाँ वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ एक्चुअली क्या है कि कीचड़ है गाड़ी वहाँ पे ना अपनी पावर लूज कर जाती है। पीछे करने के लिए बोल रहा है क्या बेटा, ऊपर से जाएं ऊपर से जाएं भाई। ये सड़क बना रहे हमारे लिए, जब ये
सड़क बना देगा, उसके बाद हम लोग आगे जा सकते हैं, उसके पहले नहीं। उन्होंने बोला रुक जाओ, टाइम लगेगा। नीचे से जाना है कि हमें ऊपर से जाना है? नीचे से सर। अच्छा, ये जो बना रहा रास्ता, ये ओके, थैंक यू भाई। ये ऊपर काम कर रहा था, सिर्फ हमारे लिए पीछे आया बैक, और नीचे से रास्ता उसने बनाया है हमारे लिए, क्योंकि नीचे से जाने की जगह नहीं थी, ऊपर वाली रोड पता नहीं किधर को जानी थी। तो भाई इस बड़े भाई ने हमारे लिए सड़क बना दी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते यार कि यार बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ये ऊपर काम कर रहा था और नीचे ढेर लगा हुआ था मिट्टी का। ये बैक आया, इसने हमें थोड़ा बैक कराया और इसने पूरा कॉरिडोर बनाया, और मेरे ख्याल से 20-25 मिनट हमारे यहाँ लगे जरूर हैं, और देखना भी है, साइड होके हमें इशारा करेगा कि जाओ। भाई थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और अभी देखो उसने हमारे लिए रास्ता बनाया, रास्ता देख लो ऐसा बनाया है, ठीक है। और अभी वो ऊपर चला गया, अब हम लोग आगे के लिए निकले, हमें 20-25 मिनट तो लग गए। अंकली थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। बता, अगर ये ना हो ना कोई लद्दाख कर पाएगा, ना कोई जंस्कार कर पाएगा, ना कोई कहीं कुछ कर पाएगा। घंटा गाड़ियां खरीद लो, जो मर्जी खरीद लो, चाहे 4x4 हो, 6x6 हो, स्नो चेन लगा लो, तुम कहीं नहीं पहुंच सकते अगर ये लोग ना हो तो। सिर्फ और सिर्फ ये लोग करवा रहे हैं एडवेंचर, जो लोग चौड़े होते हैं ना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं कर दिया, इनकी वजह से कर रहे हैं, ये लोग करवा रहे हैं सिर्फ, ये लोग। आगे पहाड़ों से पानी आ रहा है, वाटर क्रॉसिंग इतना बड़ा है ना, और इतना तगड़ा है ना, हो ही नहीं सकता, ना कार जाएगा ना बाइक जाएगा। ओ माय गॉड, सब गाड़ियां जो है ना वो नीचे से जा रही है, देखो लकी पाजी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर यार कोई वाटर क्रॉसिंग है जो कि टू मच पानी छोड़ रही है, यहाँ बोलो कि टू मच फ्लो है। प्रतीक वापिस आ गया है, किसी और रास्ते से नीचे संस्कार जाना पड़ेगा। कोई नहीं लल्ला राम नाल, ढीले पत्थर है। टूटर मारना पड़ रहा है हमें, देखते नीचे कौन सा रास्ता जा रहा है। तो भाई प्रतीक ने ट्राई किया, उसे नहीं हुआ, अब मैं अभी अपनी गाड़ी डाल के ट्राई कर रहा हूँ। मैं फ्लो तो काफ़ी ज़्यादा है, प्रतीक ने शूज़ भी निकाले थे, देखता हूँ अभी ये गाड़ी डाल के क्या सीन बनता है। भाजी पर जाके गड्ढा तुझे बैठो। हाँ